पर सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए कारगर साबित हुई और बैंक में डकैती करने वाले दो मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आसिफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आसिफ आगा चुके हैं। अरे क्या देख रहे हो नबील? टीवी देख रहा हूँ महमूद साहब। हर वक्त डिप्रेशन वाली खबरें आती है नबील, चेंज करो। क्या टीवी? अरे नहीं भाई, चैनल यार। ओ यार महमूद साहब, आजकल हर चैनल पे ऐसी खबरें आ रही है। अरे तू कोई गानों वाला चैनल लगा लो यार, कोई कैटरीना का डांस ही देख ले। महमूद साहब उससे तो और ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा यार। उससे जो होना है वो डिप्रेशन है। हाँ जी। अच्छा यार महमूद साहब, ऐसे बाय द वे आपकी ये डांस मांस देखने की उम्र नहीं है, मरने की उम्र है आपकी, तैयारी करें। देखो, देख रहा हूँ महमूद साहब कैसे दिन दिहाड़े बैंक लूट लिया जालिमों ने। दरवाजे पे देखो नबील, दरवाजे पे गार्ड देखे कैसे लेटा हुआ है। अरे मैं अपने घर के दरवाजे की बात कर रहा हूँ यार। ओ महमूद साहब, हमारे पास कौन सा गार्ड है यार? नबील, दरवाजे पे बेल बजी है, जाके देखो कौन आया है। वो आया हमारे दरवाजे पे क्यों आएगी महमूद साहब? ओ बस करें भाई, बस करें, जा रहा हूँ, ओवर एक्टिंग बंद करें। मैं कर रहा हूँ। हेलो। हाय। मैं चंदा हूँ। मैं गंदा हूँ जी। मेरा मतलब है कि मैं नबील हूँ, बुलबुले वाला। आपके घर में इस वक्त कौन कौन है? सब सो रहे हैं, मैं और मेरी किस्मत झांक रही है जी। हाँ आइए अंदर चलते हैं, बल्कि पिछले अंदर चलते हैं। तुझे जो चाहिए ना मोबाइल पर सब ये दे देगी। तुमने गोली मत चलानी, गोली नहीं चलानी। चला ये चीजें दे दो, दे दो। ये चीजें दोबारा बन जाएंगी, चांद से बढ़ के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कौन बना के देगा? अरे मैं बना के दूंगा ना, मेरे पास बहुत पैसा है। देखा, मैंने कहा था ना कि इस घर से बहुत पैसा मिलेगा। क्या बात है यार, ये क्या कर रही हो चंदा? इसके साथ पाली क्यों मार रही हो? ये बंदा सही नहीं है। बकवास बन गया, चल चंदा अंदर चल। आओ। अरे चंदा क्या कर रही हो तुम? मौत के खौफ से इस चोर चक्के के साथ मिल गई हो? मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से पहली नजर में मोहब्बत क्यों की। अबे वो छछोरे, मैं इसके साथ मिली नहीं हूँ, मैं इसके साथ मिली हुई हूँ। हाँ हाँ, और हम दोनों यहाँ चोरी करने आए। अबे चल अंदर चल, चल 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 चल। अभी भी सोच लो, ये बड़ा गंदा है। अरे कौन आया है नबील? वो सब ये लोग आए हैं। ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मैं वो साहब, ये चंदा है, चंदा। अरे तो चंदा मांगने हमारे ही घर आ गई हो, जाओ माफ करो यहाँ से। और सियाने चुपचाप बैठा रहे। ये चंदा मांगने आया या भट्टा? चंदा मेरा नाम है। अरे भाई साहब, आप इसे ले जा सकते हैं। और यार मैं वो साहब, ये इसके साथ ही आई है। यार लेकिन ये लोग हमारे घर क्यों आए हैं? मैं वो साहब आपकी शेव कर रहे हैं, क्या हो गया आपको यार? चोरी करने। वो जो आप यहाँ करने आए हैं वो चोरी? हाँ। ले भाई नबील, तेरी मौत तो तय है। वो कैसे महमूद साहब? देखना, जब हमारे घर से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो जाते जाते तुझे गोली तो मारेंगे ना। ये बुड्ढा मुझे कुछ ज्यादा ही होशियार लग रहा है। हाँ चंदा, ये बड़ा होशियार है, इसको गोली मारो, बल्कि इसकी कान पट्टी पे गोली मारो। बकवास बंद कर, तुम शुरू कर लो। जल्दी बताओ सामान लाए। अब सामान यहाँ अंदर वाले कमरे में पड़ा है, ले जाओ। महमूद साहब। हाँ नबील, हमने इतना सामान क्या करना है यार, ले जाने दो, जाओ जाओ ले जाओ। चंदा तू इन दोनों को संभाल, मैं अंदर सामान लेके आता हूँ। ये रख पिस्तौल। ठीक है। ये खूबसूरत हाथ गन पकड़ने के लिए नहीं है चंदा। हाँ इनसे मेरा हाथ पकड़ो। हाँ इनका हाथ पकड़ के ना इनकी बगल में गोली मारो। खबरदार, जो तूने मेरे नजदीक आने की कोशिश की हो, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ पर अपनी इज्जत पे वो नहीं आने दे सकती। क्या बकवास कर रही हो अम्मा? कटिया आदमी, मेरे अब्बू की उम्र का हो के तो मुझे अम्मा कहते, शर्म नहीं आती तुझे? हैं? हाँ।
ओ पागल बुढ़िया, अबे मैं तुझे कह रहा हूँ, चल चुपचाप जितने भी जेवर और कैश है ना मेरे हवाले कर दूंगा ना, गोली मार दूंगा। नहीं। क्या जेवर नहीं है? है? कहाँ है? वो मेरी बहू के कमरे में। कहाँ है उसका कमरा? किसका? अबे तुम्हारी बहू का यार। ना उसका कोई कमरा नहीं है, वो मेरे पुत्र के कमरे में रहती है। तो वो कहाँ है? वो बाहर लाउंज में। कमरा? नहीं मेरा पुत्र। अबे तेरे बेटे का कमरा कहाँ है? मेरे बेटे का? हाँ मेरा पुत्र, मैं तो नहीं लेके अपने साथ चलती। क्या है बोलो? चंदा तुम थक गई हो? चंदा एक काम करो, चंदा ये पिस्तौल मुझे दे दो, मैं महमूद साहब पे तांग लेता हूँ। बात सुन, मैं तुझे शक्ल से क्या लगती हूँ? किसी अच्छे घराने की लग रही हो। है? ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की किन चक्करों में पड़ गई है चंदा? अब वो भी ऐसे खबीस इंसान के साथ। अरे तुम्हें उसमें क्या नजर आया है जो मुझ में नहीं है? हैं? हाँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे वैसे उससे तो बेहतर था कि तुम इस घटिया आदमी से प्यार कर लेती। I don't mind, चंदा। इससे प्यार करने से तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी कर लेना किसी के काम ना आना। हाँ तुम खुदकुशी कर लो, और सुनो अगर तुम में हिम्मत नहीं है ना तो लाओ ये पिस्तौल मुझे दो, मैं तुम्हें गोली मार देता हूँ। ओए ज्यादा चलाकी करने की जरूरत नहीं है, वरना बुलाऊंगा अपने बॉयफ्रेंड को। अब बुलाने की क्या जरूरत है चंदा, तुम्हारे सामने तो बैठा हूँ। बकवास बंद करो अपनी। चलो तुम शुरू कर लो अपनी। ये तुम्हारी बहू है? हाँ जमीला। मेरा नाम जमीला नहीं है। नहीं जमीला इसका नाम है। उठाओ उसे। ये लगती नहीं है पर है बहुत भारी। नींद से उठाओ उसे। जमीला जमीला उठ उठ ना जमीला। ले उठ गई है। ये आदमी कौन है? अरे तुम्हारी सास है भाई। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? पुत्र ये शबीर है मेरा भतीजा, और चंदा मांगने आया है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में आने की? और चल पुत्र दफा कर, अब आ गया है ना तो कुछ पैसे वैसे दे के इसको फारग कर। पैसे देकर नहीं, इसे तो मैं जूते मार के निकालूंगी। निकलो यहाँ से दफा। अबे तुम सारे के सारे पागल हो क्या? जाते हो या पुलिस को बुलाओ। ये क्या है? पुत्र ये पिस्तौल है भाई, जरा गोली मार के यकीन तो दिला इसको। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कैश और जेवर निकालो जल्दी। पुत्र हमारे पास कैश और जेवर नहीं है। क्या? हाँ 350 एपिसोडों में से ना 50 तो चोरी वाले थे, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तुम लोगों की ऐसी तैसी, चलो बाहर चलो जल्दी। ओ भाई जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से ला के दे तुझे? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े घर में रहो तंगली हो। हाँ तो हमें तो इसका बाप पैसे भेजता है ना। माँ जी हा? कोई भंड हो गया? God. इसका मतलब इस लड़की के बाप पैसे वाला है? ऐसा वैसा, अरे बहुत पैसा है उनके पास। क्यों नबील? हाँ हाँ बहुत पैसा मिलेगा, उनके घर जाकर चोरी करें। तो उसके घर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बेटी है ना यही पैसे मंगवा के देगी। वशे वशे। चलो यार पैसों का मसला तो हो गया हल, अब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का करते हैं। हाँ भूख तो मुझे भी बड़ी लगी हुई है, चल पुत्र कुछ मंगवा ले बाहर से। दिमाग खराब है तेरा, मेरी शादी में आई तू, जा जाके मेरी चंदा के लिए खाना बना। ना ये तेरी बेटी है? जी नहीं मैं इनकी वो हूँ। वो भाई तुझे भी भूलने की बीमारी है? ओ खाना बनाती है, गोली मारूं? मार मार पुत्र इसको, गोली मार, खाना खा के क्या करना है इसने। अबे उठो जाके खाना बनाओ। वो जो हमने बनाना है वो खाना है। हां जी खाने पर चोरों को पकड़ने के लिए माँ जी। अच्छा ये ले फिर, मैंने फोन उठाया, इससे फोन कर। हेलो बट साहब। हाँ भाई हेलो। हाँ बट साहब मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। क्या काम है जल्दी बोलो, मैं अर्जेंट ड्यूटी पे जा रहा हूँ आज। बट साहब हमारे घर में चोर घुसा है। फिर से? जी। यार तुम लोगों के पास सिचुएशन खत्म हो गई है क्या, जो हर हफ्ते चोरों को बुला लेते हो? ये सब छोड़े बट साहब, आप फौरन हमारे घर पहुँचे। नहीं मैं आज नहीं आ सकता, हमारे DSP साहब की बेटी अगवा हो गई है, मैं उसे ढूंढने निकल रहा हूँ। तुम लोग घर से पहले के लिए किसी और को बुला लो। बट साहब हेलो। क्या हुआ अकेला? माँ जी बट साहब ने तो आने से साफ इनकार कर दिया। चलो फिर इन्हीं लोगों के लिए खाना बना लेते हैं। ना फिर मेरा फोन दे।
बहुत भूख लग रही है। तो ये क्या तुम्हारी अम्मी है? बकवास बंद करो चंदा, थोड़ा सबर करो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। कहाँ ध्यान लगाऊं, मुझे बहुत बोरियत हो रही है यहाँ पर। अबे सुना नहीं चंदा क्या बोल रही है? हाँ सुन रहा हूँ चंदा, बोर हो रही है। अबे तो कुछ करना फिर। आओ चंदा हम लॉन में चल के ना बातें कर। अबे ओ बातें बातें छोड़ और मेरी चंदा को डांस दिखा चल। अरे हाँ हाँ चले मैं वो सब चंदा को डांस करके दिखाए। वो जो चंदा को करके दिखाना है वो डांस है। हाँ जी चंदा तू डांस देख, मैं उन दोनों को किचन में देख के आता हूँ। तो क्या वो भी अंदर डांस कर रही है? यार वो खाना बना रही है यार। अच्छा हाँ भाई, जब तक तुम दोनों के पैर चलेंगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। नाचो। नाचने को कह रही है मेहमान साहब, म्यूजिक। क्या बकवास हो रही है, बंद करो। वो दरअसल मुझे भूख लग रही थी ना, तो टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए। भाई वैसे भाभी नाचती बहुत अच्छा है, तेरी तो चुप कर। रुक क्यों गया भाई, इस घटिया आदमी को गोली ही मारनी चाहिए। चलाए 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 बेल चढ़ाओ। यार महमूद साहब ये कहीं जालिम दरिंदा मेरी चंदा को मार न डाले। तुम्हारी चंदा? चलो हमारी चंदा कर लेते हैं, बड़ी मस्तानी है साड़ी चंदा। नंदा सुनो, पिछले कॉरिडोर से चल के ना इनको देखते हैं। आ जाए आ जा आ जा। क्या घटिया बना चंदा, क्या करी थी तू? क्यों, मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें शादी करने के लिए घर से भगा के लेके आया हूँ। पैसे नहीं मेरे पास इसलिए चोरी का प्लान बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेगैरत बन जाऊँ और तुम्हें घर मर्दों के साथ नाचने दूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से नाचते हुए देखा है। चोरेपन की हद होती है, इंसान की बच्ची बन के रहो समझी। यार नबील ये तो बहुत ही घटिया आदमी है यार। हाँ यार महमूद साहब अपनी होने वाली बीवी से चोरियां करवा रहा है। अरे चोरियां तो करवा ही रहा है लेकिन इसे हमारे सामने जलील भी कर रहा है। हाँ महमूद साहब बड़ी ज्यादती है। नबील मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये लड़की मुझे किसी अच्छे घर की लगती है। हाँ हाँ महमूद साहब, 1,000-2,000 गज से कम का घर नहीं होगा इसका है। हाँ हाँ और ये लौंडा जो है ये तो सड़क छाप लग रहा है। बेचारी शादी के बाद क्या होगा इसका? हाँ हाँ महमूद साहब होना क्या है, जूते और गालियाँ खाएगी इस लफंगे मवाली से। जूती खाएगी मेरी जूती, उसकी हिम्मत कैसे मुझे डांटने की। ले जी महमूद साहब ये तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। अब लगाते हैं बट साहब को फोन। वो जो तुमने बट साहब को लगाना है वो गरम चिमटा है या फोन है? फोन है। खूबसूरत के क्यू मोबाइल X11 से बट साहब को फोन लगाता हूँ। अरे खूबसूरत ने तुम्हें अपना नया क्यू मोबाइल X11 दे दिया? नहीं महमूद साहब मैं छुपा के लाया हूँ उसे। क्या? हाँ महमूद साहब वैसे कमाल का फोन है ये क्यू मोबाइल X11। हाँ महमूद साहब इसमें 3GB है और इंटरनेट ब्राउजिंग के साथ। नबील मैंने सुना इसमें किटकैट 4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। हाँ महमूद साहब इसमें 3.2 मेगापिक्सल कैमरा भी है और वो भी LED फ्लैश के साथ। अच्छा और कीमत इसकी महमूद साहब है 7,099 rupees ओनली। चलो नबील फिर जल्दी से बट साहब को फोन लगाओ ना। हाँ जी अभी लगाते हैं बट साहब को फोन। जल्दी जल्दी खाना लगाओ। आगे पुत्र आगे। खाना लगा लिया, बुला ले फरकंदा को। माँ जी चंदा। हाँ चंदा फरकंदा को बुला ले। चंदा आजा खाना लग जाए। तमीज से बात करो मुझसे, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। फिर क्या है आप इसकी? मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ। क्या? हाँ और मैं घर से भागी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई वाली वारिस नहीं है। और तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम करोगे मेरे साथ। चंदा कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बैठे बैठे माँ जी, कौन लड़की अपने होने वाले शौहर से इस तरह बदतमीजी करती है? उसका गला पकड़ लिया। वो पुत्र वो पकड़ती है ना रक्षंदा। चंदा माँ जी। चंदा भी पकड़ती है। माँ जी उस लड़की का नाम चंदा है। और वो चंदा है जिसने इसे गंदा किया है। माँ जी ना पुत्र
तेरे लिए लड़कियों का काल पड़ गया जो तुम ऐसी बेशरम बदतमीज लड़की से शादी कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ अच्छे भले हो, और अब तो चोरियां भी करना शुरू हो गए, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। क्यों माँ जी? आप उतना ही नॉट इंटरेस्टेड? क्या और नहीं तो क्या? अरे ऐसे घटिया आदमी से तुम शादी कैसे कर सकती हो जो ना तुम्हारी इज्जत करता है और तुमसे चोरियां करवाता है। हाँ, तुम्हें तो मेरे जैसा खानदानी लड़का मिल ही जाएगा। क्यों मामू साहब? वो जो इसे तुम्हारे जैसा खानदानी मिलेगा वो लड़का होगा। हाँ जी भाई, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस घटिया आदमी से शादी करनी ही नहीं चाहिए। ना तू क्या शादी से इनकार करेगी? शादी से हम इनकार करते हैं। हाँ, हमारा भाई तुमसे शादी नहीं करेगा। अरे ये क्या नहीं करेगा? नबील की बहन उससे शादी नहीं करेगी। मामू साहब, अच्छा मुझे अक्ल आ गई। जो लड़की घर से भाग सकती है मुझसे वफादार कैसे हो सकती है? क्या और नहीं तो क्या? अरे जो घटिया आदमी अपनी बीवी से चोरी करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ओए पुत्र, चोरी से याद आया, तू तो इधर चोरी करने आया था ना। माँ जी ये क्या बात कर रही है आप? चोरी तो मैं इससे शादी करने के लिए कर रहा था। जब शादी नहीं करी तो चोरी कैसी? खुश होशे, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। आओ चंदा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। शरफ ने भी कोई जरूरत नहीं है, वो जिस तरह आई थी ना उसी तरह चली जाएगी। अरे भट्ट साहब आप? अरे चंदा तू? अरे भट्ट साहब आप मेरी चंदा को जानते हैं? अरे यही तो हमारे DSP साहब की बेटी है जिसे किसी ने अगवा कर लिया था। किसी ने नहीं भट्ट साहब, इस घटिया आदमी ने मुझे अगवा किया था। क्या? हाँ हाँ भट्ट साहब, पकड़ ले इस घटिया आदमी को। हाँ हाँ भट्ट साहब, ये घटिया आदमी हमारी मासूम चंदा को अगवा करके यहाँ ले आया था। और तेरी ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये चीज मेरे जीस, और तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे हमने क्या किया है भट्ट साहब? और तुम लोगों ने इस किडनैपर को अपने घर में बना दिए। तुम सब के सब जाओगे अंदर। खुश हो। ये क्या कर रहे हैं भट्ट साहब? और ये बंदा कौन है भाई? और तू हमारे लॉन में क्यों इसे लगा रहे हैं? ओ यार आहिस्ता बोलो, क्यों मुझे मरवाओगे? सच सच बताएं भट्ट साहब, ये सीन क्या है? यार ये सब बातें छोड़ो, लाश को ठिकाने लगाने का सोचो। ओ यार भट्ट साहब सोच रहे हैं यार, हमें सांस तो लेने दे, आप तो पीछे पड़ गए हैं। सॉरी यार, नाराज क्यों हो रहे हो? और नाराज क्यों ना हो, एक तो तूने ये लाश उठवाई हमसे, ऊपर से जूस का भी नहीं पूछ रहा। जी मुझे लाश की बदबू आ रही है, अंडों की लाश की और नहीं उस बंदे की लाश की। अरे बदबू तो आएगी ना, अब तक उसे गुसल जो नहीं दिया। उस लाश को फौरन ठिकाने लगाओ यार। ओ जानू, उस लाश की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है नबील? जानू पुलिस वाले को हमने नहीं बट सामने मारा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।